We'll start off with some breaking news that's just coming in, and the crime branch has in fact issued an FIR over the smuggling of alcohol before Delhi elections. The FIR has named the brother of AAP Minister Kailash Gehlot. The FIR was lodged after a vehicle full of illicit alcohol was seized before the Delhi polls. Cops say the alcohol was being supplied on the direction of Harish Gehlot, who's the brother of Kailash Gehlot, who's a minister in the Delhi government. The alcohol was being supplied by a Gurgaon-based liquor shop. Cops will now issue a notice to Gehlot. Two people have already been arrested. My colleague Arvind Oja now joins us live for more on the story. Arvind, can you give us more details of this poll violation, poll code violation, and what are the repercussions that the people involved will face? जी देखिए राधिका, ये 7 तारीख को 7 फरवरी को ये रिकवर किया था क्राइम ब्रांच ने। बड़े पैमाने पर जो शराब थी वो हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही थी, साउथ वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ के पास एक ट्रक को रिकवर किया था क्राइम ब्रांच ने। स्पेशल इनपुट पर दो लोगों को अरेस्ट किया था, रविंद्र और वीरेंद्र। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन दोनों ने खुलासा किया कि हरीश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उसका भाई है हरीश गहलोत, उसके कहने पर ये शराब लाई जा रही थी और दिल्ली के चुनाव में इसको वोटर्स के बीच बंटवाना था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूरी तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की। इंडिया टुडे के पास क्राइम ब्रांच की एफआईआर की कॉपी भी है। अब जो कैलाश गहलोत के भाई हैं हरीश गहलोत, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच उनको सम्मन करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। जिस तरीके से पूरा वॉयलेशन हुआ था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके बाद वोटर्स को शराब वो लाई जा रही थी बांटने के लिए। जो नजफगढ़ का इलाका है मित्राऊ, जहाँ के रहने वाले कैलाश गहलोत, वहाँ पर ये रिकवर हुआ था। पूरी ट्रक जो सीज की थी क्राइम ब्रांच ने, अरेस्ट किया था मौके से अक्यूज को, और अक्यूज की इंटरोगेशन में ये इस बात का खुलासा हुआ है। इसलिए और मुश्किल बढ़ सकती है हरीश गहलोत की। क्राइम ब्रांच उनको सम्मन करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। तो एक बड़ा गुड वर्क था 7 फरवरी को, लेकिन अब एफआईआर जो सामने आई है उसमें जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उनके भाई हरीश गहलोत का नाम उसमें क्राइम ब्रांच में आया है और अब क्राइम ब्रांच हरीश गहलोत से पूछताछ करेगी। So my colleague Arvind there telling us that trouble could mount for AAP leader Kailash Gehlot as the CBI is already conducting an inquiry. Thank you for getting us those details. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.